नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है फ्री एडवाइस के नए वीडियो के अंदर। मेरा नाम है रोहित यादव और जो आज का वीडियो है वो सीधा सीधा आपकी जेब से संबंधित है, खास तौर पर बिगनर्स के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी तो नौसिखिए थे जब गाड़ी चलाते थे, और जो गलतियां हम लोगों ने करी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारी ड्राइविंग हैबिट्स के अंदर भी तब्दील हो गई। तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है आज का वीडियो। आपको 8 से 10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसकी वजह से ना सिर्फ आपकी गाड़ी की माइलेज बढ़ेगी बल्कि आपकी गाड़ी जो है वो हेल्दी भी रहेगी और आपकी जो ड्राइविंग हैबिट्स भी सुधर सकेंगी। तो आप लोग भी जो प्रो हैं वो भी देख सकते हैं, अगर कोई ऐसी गलतियां कर रहे हो तो उनको सुधारने का प्रयत्न करिएगा, और बिगनर्स तो खास तौर पर इन चीज़ों को देखिए ताकि ऐसी कोई आदतें अपनी ड्राइविंग हैबिट्स के अंदर ना लें। तो जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग उठाएंगे, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है गियर शिफ्टिंग की। बहुत सारे लोग जो बिगनर्स हैं मैं देखता हूँ, या मेरे जो जिनको काफी टाइम हो गया गाड़ी चलाते चलाते, मेरे यार दोस्त हैं या और भी फैमिली मेंबर्स हैं, तो वो क्या काम करते हैं कि या तो अपना हाई स्पीड हाई आरपीएम जब होता है तब गियर शिफ्ट करते हैं, या कुछ एक लोगों की मैंने ड्राइविंग देखी है कि जब उनका जो आरपीएम काफी लो होता है लेकिन गियर जो है उनका काफी हाई होता है। तो ऐसे दोनों ही जो चीजें हैं, दोनों ही कंडीशन जो है वो आपकी गाड़ी के लिए भी खतरनाक है और आपकी माइलेज के लिए तो है ही है। कोई भी गाड़ी 2000 से लेकर के 2500 आरपीएम तक बहुत ही आइडियल जो है आरपीएम होता है गियर शिफ्ट वगैरह करने का, काफी खुश रहती है उसके अंदर आपकी गाड़ी भी और इंजन भी, और आपको माइलेज भी ज्यादा मिलेगी। आजकल तो गाड़ियों के अंदर जो है गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर वगैरह भी देने शुरू कर दिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग के अंदर ही इतना ऐसा कुछ फिगर होना चाहिए कि लगभग इतने आरपीएम तक जो है आपको गियर शिफ्ट वगैरह कर लें। मेरे जितने भी पॉइंट हैं वो काफी छोटे हैं लेकिन रोजमर्रा की लाइफ के अंदर हम इनको दोहराते हैं। आप भी अपने यार दोस्तों को देखोगे तो ये काफी कॉमन पॉइंट है, लेकिन इनको ठीक करने की कोशिश जरूर कीजिए। दूसरा पॉइंट है वो भी हमारा पहले पॉइंट से जुड़ा हुआ ही है, जैसे कि क्लच का जो है वो इस्तेमाल, या अननेसेसरी क्लच के ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो पैर रख करके चलते हैं, उसको मतलब कि फुटरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, या मतलब पूरी तरीके से तो नहीं दबाते लेकिन थोड़ा सा फिर भी दबा रहता है। तो मेरी उनसे प्रार्थना ये है कि अगर आपका पैर थोड़ा सा हैवी है, पैर भारी है, तो साइड के अंदर रख के उसको चलिएगा ना, क्लच के तौर पर ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे आपकी सीधे सीधे जो माइलेज है उसके ऊपर असर पड़ता है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा फिल्टर्स को लेकर के, खास तौर पर एयर फिल्टर्स को लेकर के, क्योंकि एक चीज तो ये बड़ी पक्की है कि बहुत सारे लोग, क्या 90% लोग जो है वो फिल्टर्स को नहीं झटकाते हैं, और जब गाड़ी सर्विस के ऊपर जाती है तभी वो चेंज होता है। तो कम से कम एयर फिल्टर को झटकाने की आदत तो बना लीजिए जब सर्विस पे जाए तभी ना, उसके मध्यांतर में उसके बीच के अंदर कम से कम 2-3 बार आप लोग भी उस एयर फिल्टर को झटका लें, जिसकी वजह से गाड़ी को प्रॉपर सांस मिल पाए ताकि फ्यूल अच्छे से बर्न हो सके और आपकी माइलेज के अंदर थोड़ा सा इजाफा हो। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है टायर प्रेशर का। जी हाँ, टायर प्रेशर को मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आदत ये बना सकते हैं कि 2 या 3 दिन के अंदर जब भी आप गाड़ी के अंदर तेल वगैरह डलवाएं तो वहां पर जो एयर प्रेशर का लगा रहता है टैंक, उससे आप प्रॉपर आप अपना चेकअप वगैरह करवाते रहें ताकि गाड़ी का जो चाल चलन है वो ज्यादा सीधा रहे और आपको बेहतर माइलेज दे सके, आपको चलाने में भी मजा आए। अगले पॉइंट पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट के अंदर मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्रो टिप देने वाला हूं, मेरे को भी किसी ने दी थी तो मैं आप लोगों को दे दूं और मेरे को काफी जो है फायदा हुआ था उससे, तो लास्ट का पॉइंट वही रहेगा। तो इंतजार कीजिए, इसी बीच में और भी काफी अच्छी अच्छी टिप्स आ रही हैं आपके लिए। अब कुछ एक ऐसे पॉइंट आएंगे जो कि हम डेली लगभग इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि गाड़ी के अंदर ओवरलोड होना। जी हाँ, मतलब कि अननेसेसरी की जो चीजें रखी रहती है गाड़ी के अंदर, मैं खुद अपने यार दोस्तों को कईयों को ऐसा जानता हूं कि जिनके बूट के अंदर ऐसे ही अननेसेसरी चीजें पड़ी। कुछ एक यार दोस्त तो ऐसे हैं जो कि देख रहे होंगे तो काफी हंसेंगे कि उनको पॉइंट कर रहा है, तो उनकी बूट के अंदर एक नहीं बल्कि 2 से 3 टायर्स वगैरह पड़े रहते हैं, तो अननेसेसरी का जो है वो लोड लेके चल रहे हैं जिसकी वजह से आपकी माइलेज के ऊपर असर पड़ेगा। ना सिर्फ मैं यहाँ पर टायर्स की बात कर रहा हूं, और भी काफी सारा सामान ऐसे ही रखा रहता है, कोई बैग रखा होगा जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसा सा ही एक और पॉइंट है एसी से रिलेटेड कि अननेसेसरी एसी का यूज। जी हाँ, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जो एसी को, उनको पता ही नहीं होता कि एसी उनका चल रहा है, शीशे डाउन रहते हैं उनके, तो अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर रहे हो ना आप गाड़ी के ऊपर, तो माइलेज तो डाउन होनी ही होनी है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर टिप देना चाहता हूँ कि आप एसी जब आपको ठंड लग रही होती है तो आप एयर फ्लो को कम कर देते हो, एयर फ्लो कम करने की बजाय एसी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दीजिए,
तो कम से कम जो आपने जो टेम्परेचर फीड कर रखा है वहां पर जाकर के एसी जो है वो कट तो मारेगा, जिसकी वजह से आपकी माइलेज के अंदर भी बढ़ोतरी होगी। और एसी को प्लीज चेक कर लिया करो कि आपका एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, शीशे वगैरह डाउन हो तो आपको। और इसी पॉइंट से रिलेटेड एक और पॉइंट ये भी है कि अननेसेसरली जो है आप दरवाजे या खिड़कियां या सनरूफ वगैरह खोल के चलते हो तो प्लीज वो मत करा करिए, क्योंकि गाड़ी के जो एरोडायनेमिक है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। जो गाड़ी हवा को काटती है ना, उसके अंदर अवरोध पैदा होता है, जिसकी वजह से गाड़ी पे ज्यादा जोर पड़ता है। ज्यादा जोर पड़ेगा तो आपकी माइलेज भी बिगड़ेगी। किसी भी अनजान जगह पर जाने का आपको रूट प्रॉपर पता होना चाहिए कि किधर से आप निकल रहे हो तो वहां पर पहुंचोगे। और या अगर ऐसा नहीं है तो आप कम से कम नेविगेशन जीपीएस वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि कई बार कि हम लोग भटक जाते हैं, तो माइलेज भले ही आपकी गाड़ी अच्छी निकाल रही हो लेकिन उसके बावजूद जो है वो फालतू का चक्कर जो आप लगा लेते हो तो वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम और मनी और फ्यूल सभी चीज़ों का वेस्ट ही हो रहा है। तो आप कम से कम नेविगेशन का इस्तेमाल करिए। आजकल तो गूगल मैप भी काफ़ी अच्छा हो गया है। आज के मानव की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं निकाल पाता प्रॉपर सर्विस के लिए, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी की सेहत बिगड़ जाती है। जी हाँ, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि टाइम टू टाइम आप लोग सर्विस जरूर करवाते रहिए अपनी गाड़ी का, और एक ढंग के एक बढ़िया वेल नोन वर्कशॉप से ही सर्विस करवाएं, ताकि और कुछ कमियां ना निकाल दे, कुछ का इलाज करवाने गए और कुछ ही बीमारी बना दी जाए उसकी। तो ऐसे वर्कशॉप से बचिएगा। आपको पता है कि रेड लाइट के ऊपर गाड़ी बंद करना या ना करना एक कला है। जी हाँ, आजकल तो गाड़ियों के अंदर माइक्रो हाइब्रिड वाले जो फीचर दे रखे हैं कि भैया 1-2 सेकंड के लिए गाड़ी रुकी, न्यूट्रल हुई और वो आपका इग्निशन ही चालू रहेगा, गाड़ी बंद हो जाएगी, तो आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये पता है कि 1 मिनट से कम का टाइम है या कुछ 1 ही सेकंड के लिए ही रेड लाइट है तो उस फीचर को आप बंद कर दीजिए, अदरवाइज आपकी गाड़ी बार बार बंद होगी, बार बार स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से आपकी माइलेज ज्यादा गिरेगी। और ऐसा ही जिनको मैनुअल है, मतलब कि वो फीचर नहीं है, तो आपका 1 मिनट या इससे अबव का अगर रेड लाइट के ऊपर रुकना है तो आप अपनी गाड़ी को बंद करिएगा, अदरवाइज आप गाड़ी को चालू रख सकते हैं। नहीं तो अननेसेसरली आप ज़्यादा फ्यूल बर्न कर देंगे पैसे बचाने के चक्कर में या माइलेज को बढ़ाने के चक्कर में। कांस्टेंट स्पीड फॉर्मूला अपनाइए। जी हाँ, ये नहीं कि आप एकदम से भू भा कर रहे हैं किसी को दिखाने के चक्कर के अंदर या ऐसे ही मटर गश्ती के अंदर, मौज मस्ती के अंदर, और आप चाह रहे हैं कि आपको माइलेज भी मिल जाए, तो ये दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। कॉन्स्टेंट स्पीड के ऊपर आप चलाने की कोशिश करिएगा, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा कम, और लगातार जो है एक ही स्पीड बनाए रखिए। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जहाँ पर आपको ब्रेक लगाना जरूरी है वहाँ पर ब्रेक ना लगाएं, चाहे वो स्पीड ब्रेकर हो, चाहे कहीं पे भी कोई भी एक्सीडेंटल कंडीशन हो, इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो अब टाइम आ गया है उस प्रो टिप का, जिससे कि मेरे को तो काफी फायदा हुआ, वास्तव के अंदर काफी फायदा हुआ जब इस टिप को मैंने अपनाया। और ये टिप दी थी मेरे एक दोस्त ने, हालांकि दोस्त वो बाद में बना था, पहले तो वो एक माइलेज बढ़ाने वाली कुछ इंजन कुछ मशीन का जो है वो खोज कर रहे थे, लेकिन उनकी वो मशीन तो कोई खास जो है वो कामयाब नहीं हुई। लेकिन उन्होंने इस चक्कर के अंदर सर्वे काफी करे और उन्होंने इस सर्वे को निकाला और उन्होंने मेरे को ये टिप दी कि कभी भी आप पेट्रोल पंप के ऊपर जाओ तो कोई भी चीज राउंड फिगर के अंदर फिल मत करवाओ अपना, मतलब कि डीजल या पेट्रोल जो है कि भैया 1000 का भर दे, 2000 का भर दे, या 10 लीटर डाल दे, 12 लीटर, 15 लीटर, ऐसे मत करवाओ। एक काम करा करो कि जब भी आप, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो झोलझाल करे हुए रखते हैं उसके अंदर, एक काम किया करो उनको बोलो कि भैया चला दो और मैं जब रोकना होगा तो मैं अपने आप बोल दूंगा कि भैया बस, ठीक है। और कार्ड से पेमेंट करा करो, जिससे क्या होगा कि आपका जो है वो 1-2 रुपए जो भी ऊपर नीचे है, छुट्टे वाली जो समस्या है वो भी नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ी टिप है, आप इसको अपना करके देखिए, आई एम श्योर कि आपको भी फायदा होगा। नहीं होगा तो आपने पुराने पैटर्न के ऊपर आ जाइएगा, मेरे को तो काफी फायदा हुआ इस वजह से मैं आपको भी ये टिप बता रहा हूँ। और अब आती है सबसे बड़ी टिप की बात, इन सब टिपों की बाप है, वो ये है कि भैया रोहित व्लॉग जो चैनल है उसको जाकर के सब्सक्राइब करो। जैसे ही उसको सब्सक्राइब करोगे आपकी व्हीकल की माइलेज डबल हो जाएगी, आपकी 15 निकाल रही है 30 हो जाएगी, 10 निकाल रही है 20 हो जाएगी। तो आप जाकर के डेफिनेटली उसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि आजकल वहां पर भी वीडियोज वगैरह आने शुरू हो गए तो जाओ वहां पर सब्सक्राइब करो रोहित ब्लॉग को, प्यार दिखाओ थोड़ा सा वहां पर। ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलतियां अपनी ड्राइविंग हैबिट के अंदर या जो भी है उसके अंदर शुमार मत करिए, क्योंकि हैबिट्स को चेंज करना फिर बाद के अंदर काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और जो प्रो या जो काफी
टाइम हो गया जिनको चलाते हुए, कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ें आपकी ड्राइविंग स्किल्स वगैरह के अंदर या जो भी आप गाड़ी चलाते हैं उसके अंदर आ जाएं, ताकि एक बेहतर गाड़ी से आप माइलेज निकाल सको और उसकी रनिंग कॉस्ट को कम कर सको। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर ना पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। शेयर जरूर कीजिएगा अपने छोटे भाई बहन या जो भी नए सीखने वाले बंदे हैं उनसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन तब तक सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा, अगर फोर व्हीलर चलाते हैं तो, टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर लगाइएगा। जय हिंद, जय भारत, और वो महाटिप को जरूर फॉलो कर लेना।